पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जिसके चरित्र पर आपत्तिजनक आरोप लगे हों, वो दंड के लिए कैसे मना कर सकते हैं? क्षमा कीजिए, मैं कहना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं। जो खुद मंदाकिनी जैसे कलाकार की कला को सराहने नहीं, नशे में मजे करने जाता हो, उसे किसी के किरदार पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं। आप देख रहे हैं ना मंदाकिनी, ये हमारे राज्य की सबसे सुंदर नृत्यांगना है और ये आप पे नछावर। अपनी जिह्वा पर थोड़ी लगाम रखिए चिकित्सक महोदय। आप अपनी सोच को लगाम दीजिए, आप अपनी मर्यादा लांग रहे हैं। वो तो आप कब की लांग चुके। शांत, यहां हम सेनापति जी के चरित्र पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। और जहां तक बात है महारानी के दंड की, तो उन्हें राज धर्म का पालन करना ही होगा। तो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो उन्हें दंड भुगतना ही होगा, और यही न्याय है। महाराज जी, सच के खास बात होती है, सच को साबित करो या ना करो, सच हमेशा सच रहता है। और महारानी जी का सच ये है कि वो निर्दोष है। उत्तम, अति उत्तम। आप एक बात बताएंगे, आपको कैसे पता है महारानी जी का सत्य? ये तो वर्षों पुरानी घटना है, आप सत्य तक कैसे पहुंच गए? मुझे पता है, और वो सच ये है कि जब महारानी कुछ सालों पहले गायब हुई थी तो उनका किसी के साथ अवैध संबंध नहीं था। वो गायब इसलिए हुई थी महाराज कि वो 400 साल आगे चली गई थी भविष्य में, समय यात्रा करके समय सदी के पार चली गई थी महाराज। अगर दावा करूंगा तो मान लें क्या? आपने यहां सभी को मामूर्ख समझा है क्या? 400 वर्ष आगे, सदी के पार, ये कोई मानने योग्य बात है क्या? आपका मस्तिष्क तो ठीक है। मान पाना मुश्किल है ना, क्योंकि ये चीज साबित नहीं हुई है, सिर्फ कही गई है। तो महाराज जी, महारानी जी पर जो आरोप लगे वो मनहतन भी तो हो सकते हैं ना? क्या 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 कहा आपने, क्या हो सकते हैं? मनहतन। चिकित्सक जी, चिकित्सक जी, मनगढ़ंत। हाँ, या मतलब देखिए, महारानी जी पे जो आरोप लगे हैं वो मनगढ़ंत भी तो हो सकते हैं ना महाराज जी? वो भी तो साबित नहीं हुए हैं, बस आरोप ही तो है जो महारानी जी पर लगाए गए हैं। चिकित्सक महोदय, ये हमारे राज्य की न्याय प्रणाली है, इसमें आप मत उलझिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप कोई दूसरी इच्छा मांग लीजिए। नहीं महाराज, मुझे सिर्फ यही चाहिए था। अगर ये नहीं मिल सकता ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आइए चिकित्सक जी, आइए विराजमान होइए। नहीं बैठिए, यहाँ बैठिए। महारानी जी मैं बैठिए तो बैठिए। ठीक है आप कहते हो तो सॉरी। हमने हमारे हाथ से लड्डू बनाए, अगर हम आपको इनका भोग लगाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए। महारानी जी आप मुझे इतनी इज्जत। वो तो पूरा वल्लभगढ़ कर रहा है आपके चिकित्सा कौशल का। हम तो बस एक माँ के औहदे से अपने दूसरे बेटे को स्नेह दे रहे हैं। भगवान बनकर आए हैं, हमारे सारे दुख हर लिए, और हमारे यहाँ भगवान का इसी तरह आदर सत्कार होता है। महारानी जी, भगवान तो वो होते हैं ना जो लोगों की मदद करते हैं, और कृष्ण जी ने भी द्रौपदी जी की मदद करी थी उनकी लाज बचाकर, और मैं तो आपको इस वनवास से मुक्त भी नहीं करवा पाया। माँ का वनवास कब समाप्त होगा पिताश्री? क्षमा महाराज, किंतु महारानी जी को दंड स्वरूप आजीवन कारावास मिला हुआ है। अब उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? परिवर्तन ही संसार का नियम है सेनापति जी। अब समय आ गया है कि राजधर्मों में भी परिवर्तन किए जाएं। वल्लभगढ़ के इतिहास में इतने समय में इतना परिवर्तन नहीं हुआ जो आपके आने से हुआ है। आपने हमारे तारू को वैद्य बनने की अनुमति दिला दी, राज्य में प्रजातंत्र की नींव डाल दी, वर्तमान और भविष्य दोनों को एक नई दिशा दी है आपने। बाकी तो इतना बड़ा इतिहास है हमारा, इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाना वो तो असंभव है। महारानी जी कोशिश तो कर सकता हूं ना, और राजकुमारी तारा प्रिया जी ने भी तो कोशिश करके असंभव को संभव करके दिखाया। मैं भी वही कर रहा हूं। चिकित्सक ध्रुव, आपके सारे प्रयास सफल हो चुके हैं। हमारे भाई जी की शैल्य चिकित्सा पूर्ण कर आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया। चिकित्सक ध्रुव, आप चाहते तो बदले में अपने तोल जितना सोना ले सकते थे हमारे पिताश्री से। आपकी और आपके परिवार की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती, सारे सपने साकार हो जाते, परंतु आपने चुनी हमारी माँ के लिए राजदंड से मुक्ति। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।